आज तारीख हो चुकी है 15 अप्रैल। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं सुर आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 10 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी के लिए यहां पर बड़ी कुछ खबर है। फाइनली यहां पर जोश हेजलवुड अब भारत आ चुके। कल जोश हेजलवुड यहां पर भारत आ चुके। आप अपनी स्क्रीन पर जोश हेजलवुड यहां पर फोटो और वीडियो देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर अब फाइनली जोश हेजलवुड भारत आ चुके। आज आरसीबी के मुकाबले के लिए ये सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि यहां पर इतनी अधिक यहां पर लंबे समय की ये फ्लाइट में आए, कुल मिलाकर 6 से 7 घंटे की ये फ्लाइट से, इसी वजह से इनको यहाँ पर आज के दिन शायद रेस्ट दिया जा सकता है। लेकिन आरसीबी की जिस प्रकार की गेंदबाजी, उस गेंदबाजी को देखते हुए शायद जोश हेजलवुड को यहाँ पर डायरेक्टली ये टीम खिला सकती है। तो कुल मिलाकर काफी हाईली चांसेस है कि जोश हेजलवुड को आज ये टीम प्लेइंग 11 में अब खिला। लेकिन आरसीबी के फैंस के लिए बड़ी कुछ खबरी कि हेजलवुड आज इस टीम के यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुकाबले से पहले अब यहाँ पर भारत पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2023 के एडिशन के पहले शतक को लेकर। दरअसल फाइनल यहाँ पर आईपीएल के 18-19 मुकाबले के बाद अब इस आईपीएल एडिशन का पहला शतक आ चुका है, जहां पर आईपीएल ऑक्शन में 13.25 करोड़ में बिकने वाले यहां पर हैरी ब्रूक, इन्होंने यहां पर कल आईपीएल 2023 के एडिशन का पहला शतक जड़ा, जहां पर कोलकाता के खिलाफ 55 गेंदों में नाबाद शतक की इन्होंने पारी खेली थी। इस पारी में 12 चौके और 3 छक्के इन्होंने जड़े। तो कुल मिलाकर यहां पर हैदराबाद के लिए शुरुआती 3 मुकाबलों में ये फ्लॉप रहे थे। इसके बाद इनको ओवर प्राइज्ड कहा गया था, लेकिन कल इन्होंने यहां पर अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर दिया। जिन पैसों में ये बिके थे उन पैसों का कल इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया। आप कमेंट करके बताइए क्या आपने इनके शतक को एंजॉय किया था या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है सुरेश अय्यर की रिप्लेसमेंट को लेकर। इसके साथ ही आंद्रेसल की इंजरी को लेकर, दरअसल सुरेश अय्यर की रिप्लेसमेंट अब यहां पर कोलकाता की टीम ने फाइनल कर दी है। कुल मिलाकर अब सुरेश अय्यर की रिप्लेसमेंट के तौर पर कोलकाता की टीम में यहां पर आर्या देसाई नामक प्लेयर अब यहां पर शामिल हो चुका है। तो कोलकाता की टीम ने सुरेश अय्यर की अब टेम्परेरी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी इस आईपीएल एडिशन में। अब सुरेश अय्यर की जगह यहां पर आर्या देसाई यहां पर कोलकाता में हमें खेलते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही आंद्रेसल की इंजरी अब इस टीम के लिए बड़ा कंसर्न, बड़ा यहां पर सरदर्द बन चुका। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो और वीडियो देख पा रहे हैं। कल गेंदबाजी करते हुए आंद्रेसल इंजर्ड हुए थे, बल्लेबाजी में भी ये रन नहीं ले पा रहे थे और शुरुआत में ही आउट हो गए थे। हो सकता है कि आंद्रेसल अब अपनी यहां पर इंजरी भी चलते, इसके साथ ही अपनी हैमस्ट्रिंग खींच जाने की वजह से अगले कोलकाता के एक आध मुकाबले में ये उपलब्ध ना हो, एक दो मुकाबलों से ये रेस्ट ले सकते। इसके साथ ही अगर ये उपलब्ध हो जाए तो ये गेंदबाजी नहीं करते हुए दिखेंगे, एक भी ओवर ये गेंदबाजी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कोलकाता के लिए बुरी खबर। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कोलकाता को यहाँ पर क्या सोल्यूशन करना चाहिए। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर अगर इनकी रिप्लेसमेंट बुलानी पड़े तो वो रिप्लेसमेंट है। इसके साथ ही इनकी इंजरी को लेकर सारी खबरें, सारी रिपोर्ट्स, सब कुछ सबसे पहले हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर क्रिकेट की सारी खबरें सबसे पहले मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है नई T20 लीग को लेकर। दरअसल साउथ अरेबिया ने अब BCCI को यहाँ पर ऑफर किया, जहाँ पर BCCI की साउथ अरेबिया के साथ काफ़ी अधिक, काफ़ी सही फ्रेंडशिप है। तो BCCI को इन्होंने ऑफर किया कि BCCI इनके साथ मिल गया और ये दोनों मिलकर एक सबसे बड़ी यहाँ पर सबसे अमीर, इसके साथ ही सबसे महंगी यहाँ पर क्रिकेटिंग लीग बनाए। तो हो सकता है कि IPL अब साउथ अरेबिया की लीग में मर्ज हो जाए। इसके साथ ही इनका प्लान है कि 40 टीमों के साथ लीग बनाई जाए जो कि पूरे साल यहाँ पर चले। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में IPL इसके साथ ही साउथ अरेबिया की लीग मर्ज हो जाए, इसके साथ ही 30-40 टीमें हो, इसके साथ ही पूरे साल में केवल लीग ही क्रिकेट देखने को मिले। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की रिपोर्ट से आज ये रिपोर्ट निकल कर अब कुछ दिनों में इस पर खुलासा हो जाएगा। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ अपडेट कर देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या 40 टीमों की इस प्रकार की लीग होनी चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है कुछ खिलाड़ियों की तरफ से जो कि यहाँ पर IPL एडिशन के दौरान ही अपनी टीमों से रिलीज हो चुके। दरअसल 3 खिलाड़ी जिनके नाम निकल कर आए जो कि अपनी टीमों की तरफ से यहाँ पर IPL के दौरान ही रिलीज हो चुके। अगर हम बात करते हैं इन खिलाड़ियों की, तो इनमें नाम आता है चेन्नई के काइल जेमिसन का, इसके साथ नाम आता है गुजरात के केन विलियमसन का और मुंबई के जय रिचर्डसन का। दरअसल इन तीनों खिलाड़ियों को इन तीनों टीमों ने इस ऑक्शन में परचेज किया था, लेकिन अपनी इंजरीज के चलते इस IPL एडिशन से ये खिलाड़ी बाहर हो चुके। तो ये तीनों टीमें इन खिलाड़ियों को यहाँ पर अपनी टीम से रिलीज कर चुकी है, ऑफिशियल हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगले ऑक्शन में ये तीनों खिलाड़ी आएंगे। अगले ऑक्शन का ये फिर से
भाग बनेंगे, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन खिलाड़ियों को रिलीज करके कौन सी टीम ने आपके अकॉर्डिंग गलत फैसला लिया। बात करते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज शनिवार के दिन हमें आईपीएल का एक नहीं बल्कि दो मुकाबले देखने को मिलेंगे। दोपहर में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें यहाँ पर आमने सामने होगी, वही शाम को यहाँ पर लखनऊ और यहाँ पर पंजाब की टीमें आमने सामने होगी, तो डबल हेडर में देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी दो टीमें यहाँ पर आज के मुकाबले जीतेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स इसके साथ ही यहाँ पर आरसीबी और पंजाब की तरफ से। दरअसल इन तीनों टीमों के यहाँ पर आज मुकाबले और मुकाबलों से पहले इन टीमों की तरफ से बड़े अपडेट से, जहाँ पर आरसीबी के लिए यहाँ पर जोश हेजलवुड, वही दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिच मार्श यहाँ पर आज के मुकाबले में खेलने के लिए टोटली अवेलेबल है, टोटली फिट है। इसके साथ ही इनकी टीमों पर अब ये डिपेंड करता है कि इनको खिलाती है या फिर नहीं। जहाँ पर जोश हेजलवुड भारत आ चुके, मिच मार्श भी अपनी शादी निपटा कर अब भारत आ चुके, तो आज का मुकाबला खेलने के लिए यहाँ पर दोनों खिलाड़ी उपलब्ध है। वही यहाँ पर पंजाब के लिए लिविंगस्टन आज का मुकाबला भी नहीं खेल पाएंगे, जहाँ पर पंजाब के कप्तान धवन ने ये कहा है कि वो लिविंगस्टन को अभी रेस्ट देंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो वो लंबा सफर यहाँ पर फ्लाइट से तय करके आए, तो इस वजह से उनको रेस्ट दिया जाएगा। लेकिन पिछले मुकाबले में जो पंजाब की स्थिति रही थी उसको देखते हुए तो यहाँ पर लिविंगस्टन को खिलाने की काफी अधिक इस टीम को जरूरत है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या लिविंगस्टन को पंजाब को खिलाना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं बड़ी खबर की, तो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती है गुजरात टाइटन्स की तरफ से। दरअसल गुजरात टाइटन्स के कप्तान हार्दिक पांड्या पर यहाँ पर 12 लाख रुपए का फाइन लगा, इसके साथ ही एक वार्निंग अब इनको भी मिल चुकी है। जो गुजरात का रिसेंटली मुकाबला होता है उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने स्लो ओवर रेट करी थी, यहाँ पर काफी अधिक यहाँ पर 20 ओवर करने में इन्होंने समय ले लिया था, तो इस वजह से अब इनको वार्निंग मिल चुकी है, इसके साथ ही इन पर फाइन लग चुका है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर इनको सचेत रहना होगा अपकमिंग मुकाबलों में। अब अगर यहाँ पर इस प्रकार की गलती दोबारा दोहराई जाती है, इनके द्वारा दोहराई जाती है, तो इनको एक मैच का बैन मिल सकता है। अब तक राजस्थान कप्तान संजू सैमसन पर, इसके साथ ही आरसीबी कप्तान फेफ डू प्लेसिस पर और गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या पर ये फाइन लग चुका है। इन तीन टीमों को तो अब सचेत रहना होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये फाइन करने वाला, इसके साथ ही उसके बाद बैन करने वाला, ये सही नियम बीसीसीआई का है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नवी बड़ी खबर की, तो नवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है मिड सीजन ट्रांसफर की विंडो को लेकर। दरअसल अब फाइनली 25 अप्रैल से हमें आईपीएल में मिड सीजन ट्रांसफर की विंडो देखने को मिलेगी। दरअसल 25 अप्रैल को यहाँ पर मिड सीजन ट्रांसफर की विंडो शुरू हो जाएगी, जो कि लगभग 5 मई तक यहाँ पर चलेगी। यानी जिस प्रकार से आईपीएल ऑप्शन से पहले जो ट्रेड हुई थी, जहाँ पर ट्रेड के दौरान जेसन ब्रेंडो मुंबई में आए थे, लोकी फर्ग्यूसन कोलकाता में गए, तो उस प्रकार की अब यहाँ पर जो ट्रेड हुई थी उसी प्रकार से यहाँ पर आईपीएल के दौरान अब मिड सीजन ट्रांसफर हो सकता है। यानी टीमें चाहे तो यहाँ पर किसी भी प्लेयर को दूसरी टीम से अपनी टीम में बुला सकती है, अपने प्लेयर को दूसरी टीम में बेच सकती है। और खबर है कि यहाँ पर हैदराबाद ने करंटली मयंक अग्रवाल को मिड सीजन ट्रांसफर विंडो के लिए अवेलेबल रखा, अगर कोई टीम उनमें इंटरेस्टेड होगी तो उनको यहाँ पर ट्रेड या फिर ट्रांसफर कर पाएगी। आप कमेंट करके बताइए इस विंडो में यहाँ पर आप कौन कौन से प्लेयर को अपनी फेवरेट टीम में देखना चाहते हो। बात करते हैं दसवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो दसवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2023 के एडिशन के पॉइंट टेबल को लेकर। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर आईपीएल 2023 के एडिशन के अब लेटेस्ट यहाँ पर पॉइंट टेबल देख पाओगे, जहाँ पर नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर लखनऊ, नंबर 3 पर गुजरात, नंबर 4 पर कोलकाता, नंबर 5 पर चेन्नई, नंबर 6 पर पंजाब, नंबर 7 पर हैदराबाद, नंबर 8 पर आरसीबी, नंबर 9 पर मुंबई इंडियंस और नंबर 10 पर दिल्ली कैपिटल्स। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी चार टीमें प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, आपके अकॉर्डिंग कौन सी चार टीमें आखिर सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।